कैसे करें डॉट कॉम के अनबॉक्सिंग इन हिंदी सेगमेंट में आपका स्वागत। आज जो लेके आए हैं वो चीज़ आप देखिए एक बार, ये है गजब का जूस का नलका। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, जूस का नलका। परचेज करना चाहें लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इस कोरोना काल में आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप घर पर ही जूस बना सकते हैं, घर पर ही आनंद ले सकते हैं जूस का। ये पैकेजिंग है इसकी, और यहाँ पर दिखाया गया है ये आपको 1000 से 1500-2000 रुपये तक की रेंज में मिलता है, अलग अलग क्वालिटीज़ का है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप परचेज़ कर सकते हैं। निकालते हैं फटाफट पैकेज को, और ट्रैफिक नहीं रुकने वाला है, हम अनबॉक्सिंग ही करेंगे। यस, और बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है, ये सीधा नलका हमारे को मिल जाता है। ये लीजिए, इसके साथ चीज़ें क्या क्या मिलती है देखिए। एक गिलास मिल जाता है, और आप देख सकते हैं ये इसका हैंडल है, यहाँ से इस तरह से उठता है ऊपर की तरफ। ये ऊपर की तरफ उठने का मैकेनिज्म है यहाँ पर, ये इसका हैंडल है पकड़ करके दबाने के लिए। गिलास जो वो यहाँ पर रखा जा सकता है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। और जूस निकालने के बाद यहाँ पर एक कैप है नीचे की तरफ बंद करने की, आप चाहें तो इसको बंद कर सकते हैं ताकि अंदर मिट्टी वगैरह कोई मक्खी मच्छर वगैरह ना घुसे। अभी देखिए इसको वॉश करना है, काफ़ी आसान। जो हमारी बड़ी जूसर मशीनें होती हैं उनको वॉश करना ही मुसीबत है, इसीलिए जो वो ये मशीन बनाई गई है स्पेशली। निकालिए यहाँ से इसको घुमा करके, और ये लीजिए इसके अंदर ही पूरा जूस जो वो बनता है। ये मशीन जो अंदर का जो पैकेज है वो अलग से निकाल सकते हैं हम लोग, और ये अलग से निकल जाता है। इसको अच्छे से वॉश कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होती है। और अभी जूस निकाल के भी आपको दिखाते हैं, बस यहाँ पर सीधा इसको लगाना है और घुमा देना है। उसके बाद आपको करना क्या है मैकेनिज्म पूरा दिखाते हैं आपको सिस्टम। सर बस एक ही कंडीशन है, आपके जो जूस निकलेंगे वो संतरा, मौसमी, किन्नू और नींबू आदि का ही निकलेगा। तो देखिए प्लास्टिक वाला गिलास हमने हटा दिया है, ये गिलास लगा दिया है नीचे की तरफ। देखिए आप यहाँ पर गिलास रखने की जगह है, रख दीजिए। और उसके बाद आपको चाहिए क्या, एक ही कंडीशन, छिलका उतारने की कोई ज़रूरत नहीं, मौसमी इस तरह से कटी हुई हो, इस तरह से हाफ कटी हुई होनी चाहिए। और एक जूस निकाल, एक गिलास जूस का लगभग जो निकालने के लिए आपको 3 से 4 मौसमी लग जाएगी, बाकी आपके जूस के लिए जो वो मौसमी के साइज़ पे डिपेंड करेगा। रखिए यहाँ पर मौसमी को, और सीधा दबाव दे दीजिए। आप जूस देख सकते हैं, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। इसको बिल्कुल सेंटर में रखना ज़रूरी है, वरना ये साइड में आ जाता है। इस तरह से दबा दीजिए और वापस निकाल लीजिए। एक बार छिलके का देखिए आपने हालत क्या हुई है, जूस इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं बचा है, कोई जूस का नाम ही नहीं। अभी आपको एक और दिखाते हैं जूस का राउंड ले करके। मैं रखता हूँ मौसमी को यहाँ पर, और ये लीजिए, और जूस की धार आप देख सकते हैं, दबाते ही जूस की धार। इसीलिए इसको बोलते हैं जूस निकालने वाला नलका, यानी आपके घर में एक ऐसा नलका है जिससे आप बस मौसमी, संतरे, किन्नू कुछ भी डालिए और आसानी से जूस निकालिए। छिलका आसान सा है तरीका निकालने का, बीचों बीच रखा हुआ है, यहाँ से निकाल लीजिए इसको। दूसरा रखना है, आधा पीस लीजिए और रख दीजिए, बीचों बीच रखिएगा। यहाँ से इसको घुमाना शुरू करना है, और ये घुमाते हुए नीचे की तरफ ले आइए, और आप जूस देखिए। तो ये तरीका है जनाब जूस निकालने का, और अभी मैं फटाफट सारा बैच निकाल देता हूँ, और उसके बाद दिखाते हैं आपको जूस। इसके अंदर ना छिलका आता है, ना बीज आता है, ना आपको धोने की ज़रूरत है, ना निचोड़ने की ज़रूरत है, ना आपको छलनी लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिकली छन करके ही आता है। ये काफ़ी बड़ा गिलास है, जो जूस वाले देते हैं वो वाला नहीं, उससे बड़ा है गिलास, इस वजह से देख सकते हैं आप ये गिलास गजब का भरा हुआ है।
और ये छिलके हैं बिल्कुल खाली छिलके ही बचे हैं। आनंद लेना चाहते हैं ऐसे जूस का घर पे तो फटाफट परचेज़ कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाइए ताकि ऐसी वीडियोस और मिले।